एचटेट 2022 का क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव और रीजनिंग का। क्वेश्चन क्या है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर गोले को पिघलाया गया है और उसकी त्रिज्या दी गई है, जिसको मैं मान लेता हूँ R1, त्रिज्या थी 10.5 सेंटीमीटर। पिघलाकर किसमें बदला गया, 3.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कई शंकुओं में डाल दिया जाता है, ठीक है, कई छोटे छोटे शंकुओं में डाल दिया जाता है। तो शंकु की त्रिज्या अलग से दी गई है, उसको R2 कह रहे हैं, और उसकी जो ऊंचाई है वो मैंने h मान ली, विच इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। जब भी किसी एक मतलब शेप से दूसरी शेप में बदला जाए तो हमेशा वॉल्यूम का फार्मूला लगेगा, ध्यान रखें। तो गोले को शंकु में बदला गया, तो गोले का जो आयतन है सबसे पहले मैं लिखूँ तो 4/3 πr³ होता है, तो R1³, ठीक है जी। R1 की वैल्यू क्या है, 10.5 पूरे की पावर 3, और यहाँ पे वॉल्यूम शंकु का मैं V2 मान लेता हूँ, जो कि क्या होता है 1/3 πr² h, और मैंने त्रिज्या को R2 माना हुआ है, 1/3 πr² R2 कितना है 3.5 का स्क्वेयर, इंटू में h कितना है 3, ठीक है जी। देखो एक से दूसरे में बदला है, इसका मतलब इनके वॉल्यूम तो होंगे बराबर, लेकिन कई शंकुओं में बदला है तो कई मतलब कितने हमें इसका नहीं पता, तो वो मान लेते हैं हमने n मान लिया, मतलब n शंकुओं में बदला गया, तो n आयतन के बराबर है, तो n इंटू में जो आयतन है, जो वॉल्यूम है, उसके बराबर मैंने रख दिया। जितने भी शंकु बने होंगे वो n का मान हमारा आ जाएगा, तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। n की वैल्यू निकालने के लिए ये टर्म डिवाइडेशन में ले जाएं, तो 4 इंटू में 10.5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3.5 स्क्वेयर, ठीक है जी, इंटू में 3, ठीक है जी। वैल्यू अगर सोल्व करें तो 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू में 10.5 डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू में 3.5 इंटू में 3, ठीक है जी। ये कट जाएगा इससे 3 पे, ये भी कट जाएगा इससे 3 पे, ये कट जाएगा इससे 3.5 पे, ठीक है जी। पॉइंट हटा के जब बटे में 10 लगाओगे तब और वैल्यू कटेगी, तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो n की वैल्यू जो है टोटल मिला के 126 आ जाएगी, ठीक है जी। तो 126 वैल्यू आएगी हमारे पास, तो आंसर जो है सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसे ही और सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।